जी, अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो तुम्हारी वीडियोस हम वायरल कर देंगे और फिर तुम दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाओगी। ये कहना था उन 5 सिक्योरिटी गार्ड का जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ साहिबाल के अंदर नौकरी करते हैं, और उन्होंने मुबैना तौर पर अपनी ही कोलीग फीमेल सिक्योरिटी गार्ड के साथ ज्यादती की, और ये ज्यादती आज से 4 माह कबल ईद की छुट्टियों के अंदर हुई यूनिवर्सिटी ऑफ साहिबाल के अंदर, जब तमाम लोगों की, तमाम बच्चों की, तमाम स्टाफ की छुट्टियां थी, तो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड जो थे उनकी ड्यूटियां थी। और उस वक्त जब वहां पर 5 जो थे मेल सिक्योरिटी गार्ड और 1 फीमेल सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थी, वहां पर वो दिन के 12 बजे 5 जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, जिनके अंदर अकरम गुजर, मुजम्मिल, शौकत फतियाना, सालिक जट और कासिम रहमानी, ये एक फीमेल जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड थी उसको बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि जी अंदर जो है सामान रखा हुआ है वो उठा कर ले आओ। जैसे ही वो अंदर जाती है तो 5 के 5 जो हैं वो कमरे में चले जाते हैं और उसके बाद पहले उसके साथ ज्यादती करते हैं, फिर उसे मारपीट भी करते हैं, बारी बारी जाकर जिना बलजबर करते हैं और उस खातून की वहाँ पर जो है हालत खराब होती जाती है। जब खराब हो जाती है हालत तो फिर वही सिक्योरिटी गार्ड जाकर उसके लिए दवाई लेकर आते हैं और बकायदा तौर पर ज्यादती करते हुए उसकी वीडियोस बनाते हैं, और वीडियोस बनाने के बाद जब वो मामला हो जाता है, जो फीमेल सिक्योरिटी गार्ड थी वो जाकर अपने इदारे यूनिवर्सिटी ऑफ साहिबाल के डायरेक्टर को जाकर बताती है कि जी मेरे साथ इन लोगों ने ये ऐसे ऐसे वाकया हुआ है और इन्होंने मेरी वीडियोस ही बनाई हैं और अब मुझे जो है ये ब्लैकमेल कर रहे हैं वीडियो दिखाकर और बार बार जो है मेरे साथ जिना बलजबर करते हैं, अगर मैं मना करती हूँ तो फिर मुझे जो ब्लैकमेल करते हैं कि तुम्हारी वीडियोज जो है हम वायरल कर देंगे, मुझे इनसे जो है छुटकारा दिलवाया जाए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और इसके ऊपर यूनिवर्सिटी जो मौकफ इख्तियार करती है वो कहती है कि जी अब तुम चुप हो जाओ और तुमने कुछ नहीं बोलना, इस वजह से क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिबाल का जो है रेपुटेशन जो है वो खराब हो जाएगी, और इसी बुना पर जो अपने वालदैन की इज्जत को देखकर और जो तमाम चीजें देखकर वो खातून जो है वो चुप हो जाती है। और उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी ऑफ साहिबाल वो 5 सिक्योरिटी गार्डों को और उस 1 फीमेल सिक्योरिटी गार्ड को नौकरी से फारिग कर देती है, यानी कि जहां पर वाकया हुआ अब यूनिवर्सिटी वाले जो हैं उससे बरतरफ हो गए। और उसके बाद जो वो खातून थी एक पिज़्ज़ा शॉप के अंदर नौकरी करने लग जाती है, पिज़्ज़ा शॉप की नौकरी करने के दौरान फिर बार बार जो है वो सिक्योरिटी गार्ड उसको ब्लैकमेल करते हैं, उसको कहते हैं कि जी तुम्हारी जो हमने वीडियोस बनाई हुई है हम उसको वायरल कर देंगे, ये कर देंगे, और उसके साथ ऐसे ही ब्लैकमेल करके उसके साथ जो है जिना करते रहे। यहाँ पर बात ये शामिल होती है, क्या ऐसी क्या वजह है कि हमारे इदारों में ये चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं, लोगों के अंदर ऐसी क्या हवस पैदा हो गई है कि वो किसी को नहीं छोड़ते, अब गैंग की सूरत के अंदर खवातीन के साथ हरासमेंट की जाती है, उनके साथ ज्यादती की जाती है, और ये तमाम जो चीज़ें 60% जो चीज़ें हैं अब वो इदारों के अंदर होने लग गई, या तो किसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हो रही हैं या किसी कॉलेज के अंदर हो रही हैं या मदारिस के अंदर हो रही हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर क्यों हो रही हैं। और क्राइम रेट इस कदर बढ़ चुका है कि उसकी कोई बात ना ही करे तो बेहतर है, हजारों की तादाद में महीने के अंदर जो है क्राइम केसेस सामने आ रहे हैं, हमारी अदलिया, हमारे हुक्मरान, हमारे सिक्योरिटी इदारे कम से कम इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें कि ये ऐसी चीज़ें हमारे पाकिस्तान में कम से कम हो। और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज भी इन चीज़ों के ऊपर नोटिस लें कि उनके पंजाब में ऐसी चीज़ें जो हैं वो ना ही हो तो बेहतर है। जो भी अपडेट होंगे आपके साथ आगे शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अलीशर जाफरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।